नमस्कार दोस्तों, गोल्ड बॉन्ड एक बार फिर आ गए हैं। 6 मार्च से 10 मार्च तक आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और 14 मार्च को ये वाला इशू ओपन होने वाला है। इस बार का रेट रखा गया है प्रति ग्राम 5,611 रुपये, यानी कि 10 ग्राम के लिए आपको 56,110 रुपये देने होंगे। और जो लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उन्हें 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी, यानी कि 500 रुपये प्रति 10 ग्राम उनको सस्ता मिल पाएगा गोल्ड। एक बात ध्यान में रहे, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि गोल्ड जो इसमें आपको मिलता है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता, यानी कोई असल में सोना नहीं दिया जाएगा, बल्कि सोने की वैल्यू का ही सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, चाहे वो फिजिकल सर्टिफिकेट हो या ऑनलाइन आप डीमेट अकाउंट में भी ले सकते हैं। ये है गोल्ड बॉन्ड्स। जिनको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए इसकी, वो हमारे पिछले वीडियोस गोल्ड बॉन्ड के देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में ब्रीफली बात करेंगे कि इस बार क्या क्या फीचर्स हैं। जो हम बेसिकली जानते हैं वो ये कि कोई भी इंडियन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, माइनर हो चाहे मेजर हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। NRI इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इंडियन हैं, आपने गोल्ड बॉन्ड भी इन्वेस्ट किया है, उसके बाद आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है, यानी आप NRI हो जाते हैं, तो आप होल्डिंग रख सकते हैं इसकी मेच्योरिटी पीरियड तक। उसके बाद फ्रेश बाइंग अगेन एज NRI आप नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, कोई ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकती है, HUF भी इन्वेस्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, सिंगल नेम से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट नेम से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट नेम से करते हैं तो ध्यान रहे ज्वाइंट होल्डर नहीं होता, यानी कि जो भी आप ज्वाइंट नेम से इसमें अकाउंट खोलेंगे फर्स्ट होल्डर का ही अकाउंट माना जाएगा। सेकेंड होल्डर का रोल सिर्फ तभी आएगा अगर फर्स्ट होल्डर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती। जो सबसे बड़ी शर्त है इसकी कि आपके पास पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है वो होना अनिवार्य है, उसके बिना आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 20,000 रुपये तक के गोल्ड बॉन्ड्स अगर आपको लेने हैं तो वो आप कैश में भी ले सकते हैं, इससे ऊपर आपको किसी भी बैंकिंग मोड के थ्रू ही पेमेंट करना होगा, चाहे वो चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो, लेकिन वो कैश के रूप में 20,000 से ऊपर आप पे नहीं कर पाएंगे। जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको 2.5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा, यानी 2.50% इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो कि आपको हर 6-6 महीने बाद पे किया जाएगा। ये इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने बाद पे किया जाना ही है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट जिसका नंबर आपने इन्वेस्टमेंट के समय दिया था उसी के अंदर आपके हर 6 महीने बाद पैसे वो डाल दिए जाएंगे। ये 8 साल तक का अकाउंट है, यानी आज जो आप बॉन्ड्स ले रहे हैं वो 8 साल तक आपको रखने हैं, उससे पहले भी आप इसको मैच्योर कर सकते हैं, जिसके कंडीशंस हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। 8 साल का बेसिकली इसका टेन्योर है। 8 साल पूरे होने के बाद जो आखिरी 3 वर्किंग डेज होंगे, बिजनेस डेज जो हैं, उन 3 दिनों का गोल्ड रेट का जो एवरेज होगा उस एवरेज रेट का पेमेंट आपको किया जाएगा। अब इसमें संभावना ये भी है कि गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा 8 साल बाद, तो आपको बढ़ोतरी होगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, और संभावना ये भी हो सकती है कि गोल्ड का रेट ना बढ़े तो आपको वहाँ लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलना है वो गारंटेड है, 8 साल तक आपको मिलता रहेगा। यहाँ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो 2.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर मिलेगा। मान लीजिए आपने 56,000 के ऊपर आज इन्वेस्ट किया है तो 56,000 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कल को 1 साल के बाद गोल्ड का रेट 60,000 हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको वो 2.5% इंटरेस्ट रेट 60,000 पर मिलने वाला है, वो आपकी जो बेसिकली आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसी के ऊपर मिलने वाला है। इन बॉन्ड्स को आप बैंक से परचेज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी बाय कर सकते हैं। अगर इन सब से आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिजर्व बैंक की साइट RBI.org पर जाकर भी रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट करके आप वहाँ भी बाय कर सकते हैं। जैसा हमने पहले बताया, ऑनलाइन आप किसी भी मोड में बाय करते हैं तो 50 रुपये प्रति ग्राम का आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि से परचेज करना चाहते हैं तो केवल सब्सक्रिप्शन पीरियड के अंदर ही परचेज कर पाएंगे, यानी जो अब 6 मार्च से 10 मार्च के अंदर का टाइम दिया गया है। अगर 10 मार्च निकल जाने के बाद या फर्दर जब इसका इशू ओपन नहीं है उस समय आप परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचती है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से परचेज करें, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास वो डीमैट फॉर्म में है, जिसके पास वो फिजिकल फॉर्म में, वो आपके नाम पर उसको ट्रांसफर करना चाहे, चाहे वो आपको गिफ्ट देना चाहे वो भी दे सकता है, चाहे वो आपको सेल करना चाहे वो भी कर सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में आपको उसके बाद ये अवेलेबल नहीं हो। लिमिट्स की बात करते हैं।
तीन तरह की शर्तें हैं इसके अंदर। पहली ये कि मिनिमम आपको 1 ग्राम सोने के बराबर वैल्यू इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, यानी 5611 जो इस बार की लिमिट है, मिनिमम 1 ग्राम HUF और इंडिविजुअल्स के लिए। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट 4 किलोग्राम है इंडिविजुअल और HUF के लिए, और ये जो 1 ग्राम से 4 किलोग्राम तक का आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1-1 ग्राम के मल्टीपल्स में होगा, यानी कि आप 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3.5 ग्राम इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1-1 ग्राम के मल्टीपल्स में ही आप उसके अंदर पैसा लगा पाएंगे। जो ट्रस्ट हैं वो 20 किलोग्राम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 20 किलोग्राम तक का सोना परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जितनी भी लिमिट्स हम आपको बता रहे हैं, चाहे मिनिमम है चाहे मैक्सिमम है, ये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, यानी कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आज जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे लिए मैक्सिमम लिमिट है 4 किलोग्राम। अगला साल जब 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, उस समय फिर से गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, तो मैं 4 किलोग्राम और इन्वेस्ट कर पाऊंगा। उसके बाद फिर अगला साल आएगा तो 4 किलोग्राम और, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 4 किलोग्राम से ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड परचेज नहीं कर सकते। गोल्ड बॉन्ड्स का एलोकेशन आपको परचेज डेट के बाद 14 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाता है, यानी जैसे 6 से 10 मार्च के बीच में आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आपको गोल्ड बॉन्ड मिलेगा या नहीं, इस पर कोई डाउट है, ये सभी को मिलता है, कितने भी इसमें सब्सक्रिप्शन आए लेकिन सभी को ये मिलना अनिवार्य है। तो 6 से 10 मार्च के बीच में आपने इसमें अप्लाई कर दिया, 14 मार्च को ये लिस्ट हो जाएगा, और 14 मार्च के बाद अगले 14 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम वो आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, चाहे आपको फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया जाए, चाहे आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ले रहे हैं, दोनों ही तरीक़ों से मैक्सिमम टाइम 14 दिन है। और इन 14 दिनों के बाद आप उसको जो डीमैट अकाउंट के थ्रू आपने लिए हैं उनको ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी बेचना चाहें तो वहां पर अगर आपके पास कस्टमर्स अवेलेबल हैं मार्केट में तो वहां आप इसको सेल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो 2.5% इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल है। गोल्ड बॉन्ड आप 8 साल तक रखें, उससे पहले उसको बेच दें, कुछ भी करें, लेकिन 2.5% जो सालाना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा, और आपकी टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स उसके ऊपर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स को 8 साल तक होल्ड रखते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर या जो गोल्ड का रेट बढ़ेगा वो जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना कोई शॉर्ट टर्म ना टोटल इनकम में ऐड होगा, ना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते आपने 8 साल तक होल्ड किया हो। जो 8 साल तक होल्ड करने की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 8 साल तक होल्ड करने का मतलब है क्या। जो सब्सक्रिप्शन आज शुरू हो गया है, जो इशू आज आया है, ये 2031 में मैच्योर होगा 8 साल बाद। अब आपने मान लीजिए आज ये बॉन्ड परचेज किए थे, आपने आज से 5 साल बाद सेल कर दिए, 5 साल बाद मैंने वो खरीद लिए, तो आपके लिए तो वो इशू खत्म हो गया, यानी आपने बेच दिया 5वें साल में ही, आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए जो इशू मैंने होल्ड रखा है केवल 3 साल तक, तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, इसमें टैक्स फ्री कोई भी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आप उसको 2031 तक होल्ड रखते तो आप 100% टैक्स फ्री थे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मैच्योर आप इसको कर सकते हैं, उसी के साथ जुड़ी है इनकम टैक्स की क्लॉजेस, आप पहले साल से लेकर 5वें साल के बीच में इसको प्री मैच्योर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में आप बेचिए, कोई भी पोस्ट ऑफिस बैंक इसको 5 साल से पहले वापस खरीदेगा नहीं, आपको ओपन मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा। और 5 साल के बाद अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कभी भी जिस भी ऑफिस से आपने लिया है, चाहे पोस्ट ऑफिस से, चाहे बैंक से, चाहे डायरेक्ट RBI से, वहीं इसको वापस सेल कर दीजिए, वो लोग भी इसको वापस बाय कर लेंगे, प्रीमैच्योर कर देंगे। और अगर ओपन मार्केट में करना चाहते हैं तो वो तो ऑप्शन आपके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। पहले साल से 3रे साल के बीच में अगर आप इसको सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यानी जो प्रॉफिट आपका गोल्ड रेट एप्रिसिएशन के रूप में होगा वो आपके टोटल इनकम में ऐड करके एज पर ब्रैकेट्स आपको टैक्स लगाया जाएगा। 3रे साल से 5वें साल के बीच में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ये 20% टैक्स होगा, और आपको इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं उसका जिन लोगों को नहीं पता हो, जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 5वें साल के बाद आप इसको कभी भी सेल करिए, चाहे 8 साल तक होल्ड रखिए ना रखिए, कोई टैक्स नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई GST नहीं, कुछ भी 5वें साल के बाद नहीं लगेगा। लेकिन ये बात याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने मान लीजिए आपसे गोल्ड बॉन्ड परचेज किए हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड के बाहर,
तो 5वें साल के बाद अगर मैं परचेज कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पर 5वां साल है, हो सकता है मैं 4 साल बाद परचेज कर रहा हूं, मान लीजिए 5वें साल के बाद आपने मुझे गोल्ड बॉन्ड बेच दिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो 8 साल उस डेट से शुरू होंगे जिस डेट से मैंने परचेज किया था। मतलब गोल्ड बॉन्ड का जो इशू है वो आज 2023 में शुरू हो रहा है, उसको हर हाल में 2031 में खत्म होना है। बीच में किसने कब खरीदा, किसको कब बेच दिया, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रेलेवेंस बनता ही नहीं। मैं चाहे 2030 में परचेज करूं आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये वाले इशू के गोल्ड बॉन्ड अगर मैंने 2030 में परचेज किए हैं तो मेरे लिए भी उसकी मेच्योरिटी 2031 में होनी ही है। जिस इशू की जो मेच्योरिटी डेट है वो वहां तय है। लोन की फैसिलिटी भी इसमें आपको मिल जाती है कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बहुत आसानी से इसके अगेंस्ट आपको लोन दे देता है और काफी कम रेट पर भी अवेलेबल हो जाता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, P2P ट्रांसफर अवेलेबल है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो 56,110 रुपये में ऑफलाइन और 55,610 रुपये में ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। और ये बात जरूर नोट कीजिएगा कि इस बार का ये आखिरी इशू है, अगली बार जब भी गोल्ड बॉन्ड्स आएंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव जरूर होगा और ये बदलाव बहुत बड़े होने वाले हैं, क्योंकि अब तक के जितने इशू आने वाले थे उनके ये आखिरी इशू है। नेक्स्ट इशू नए नियमों के साथ ही आने वाला है। 10 मार्च आखिरी डेट है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूला ही मत कीजिए। डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।